बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत आसान सा और बड़ा झटपट सा बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखिए मैंने कैंडी बिस्किट लिए हैं, इसका हम बेस बनाएंगे कैंडी बिस्किट्स का। 4 से 5 पैकेट लिए हैं मैंने कैंडी बिस्किट के, छोटे वाले पैकेट हैं। इसको ब्लेंड कर लेंगे इसको। इतना आसान मीठा है और इतना मज़े का बनता है, इसको आप झटपट से तैयार करें। स्ट्रॉबेरी हो, मिल्क हो, 2-3 चीज़ें घर में हो और आराम से ये बन जाता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अब मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। वीडियो को एटलीस्ट 4 to 5 मिनट वॉच किया करें। ये देखिए बटर मैंने 3 टेबल स्पून बटर मेल्ट करके रखा था, इसको मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खूबसूरत से एक ग्लास है, इसके अंदर मैं इसका बेस बनाऊंगी। इस तरह से हम तीनों में डाल देंगे इसको और इसको प्रेस करके इसका बेस बना लेंगे। इस तरह स्पून से इसको पूरा सही बैलेंस कर लेंगे, इसको अच्छे से प्रेस करके इसको कर लेंगे और उसको हम एक साइड में रख देंगे। फिर ये देखें इस तरह हमारे पूरे ही सेट हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए मैंने 1/2 kg स्ट्रॉबेरीज ली थी, इसको हमें जितनी ज़रूरत होगी आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कर लें। तकरीबन 1/2 kg मिल्क ले रही हूँ मैं इसके अंदर और ये स्ट्रॉबेरीज हमने काटी थी इसमें ऐड कर रही हूँ उसको। बहुत सिंपल है, बहुत ही मज़े का बनता है, ना इसको बेक करना पड़ता है ना कुछ, ज़रा में तैयार हो जाता है ये। अब मैं इसमें शुगर सब चीज़ें इसी में ऐड कर देंगे हम। 4 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें शुगर ली है, इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसको ब्लेंड अच्छे से करेंगे ताकि इसमें कोई रह ना जाए स्ट्रॉबेरीज, बहुत फाइन ब्लेंड करेंगे इसको। आजकल स्ट्रॉबेरी आई हुई है, देखिए इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून। इसको भी ब्लेंड कर देंगे, चाहे तो आप सेपरेट इसको थोड़ा सा घोल के डाल सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें इसी में ब्लेंड कर ली हैं। अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। इसको हम अच्छे से पकाएंगे, थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा जब तक इसको पकाएंगे, जब तक ये थिक हो जाएगा ताकि इतनी कंसिस्टेंसी हो कि ये जम जाए, थोड़ा सा हमारा सेट हो जाएगा। ये देखें इसके ऊपर मैं गोल कर रही हूँ और इसको हम थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे और 1/2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा स्ट्रॉबेरी डिलाइट तैयार हो चुका है, कितना ज़बरदस्त सा डेजर्ट है ये। आप मेहमान आए इनको सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगता है और बड़ा ही टेस्ट इसका इतना अच्छा होता है, आप खाएंगे तो आप खुद कहेंगे बहुत मज़े का लगता है। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे। इंस्टाग्राम टिकटॉक को भी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।